हेलो एवरीवन, दिस इज AKN22। आप सभी का स्वागत है माइनक्राफ्ट 1.20 में। और कैमल, यस कैमल ऐड हुआ है, आने वाला है 1.20 में, जो कि कल माइनक्राफ्ट लाइफ में अनाउंस हुआ था। एंड दिस इज़ अ प्योर गॉड लाइक एनिमल कि अब आप इसमें 2 राइड कर सकते हो। मैं हमारी लास्ट स्ट्रीम में कह ही रहा था कि आप हॉर्स पे 2 राइड क्यों नहीं कर सकते, और इसकी एबिलिटीज देखो, ही कैन डैश। आप इसको ब्रीड भी करा सकते हो, ठीक है, आपके साथ एक और प्लेयर बैठ सकता है, और शायद आपको एक ही सैडल चाहिए इसको राइड करने के लिए अगर 2 जन है तो। और रात में जब मॉब्स आते हैं या कोई भी मॉब्स हो आसपास क्रीपर को छोड़ के, तो इनकी हाइट इतनी रहती है कि ये आपको टच नहीं कर सकते। अगर आप कैमल पे बैठे हुए हो तो ये आपको टच नहीं कर सकते, और पीछे वाला जो बंदा है, एक तो कैमल को राइड कर सकता है और जो पीछे बैठता है वो एक्चुअली में बो एंड एरो यूज़ कर सकता है, स्वॉर्ड यूज़ कर सकता है मॉब्स को मारने के लिए। तो एक ऐसा है कि आप अगर डेजर्ट में खड़े हो तो बस खड़े रहो और आप उसमें पूरी रात सर्वाइव कर सकते हो। क्रीपर बस ना आए, क्रीपर एंड स्केलेटन्स। इसमें बेबी कैमल्स भी है, मतलब कि आप ब्रीड करा सकते हो, और ब्रीड कराने के लिए कौन सा आइटम चाहिए, वो है जो डेजर्ट में मिलता है हमें, कैक्टस। यस, अब कैक्टस का एक और यूज़ आने वाला है कि आप कैमल को ब्रीड करा सकते हो उसको खिलाकर। शायद से अब जितना डेजर्ट भी हमें थोड़ा थोड़ा खाली खाली दिखता था, अगर विलेज ना हो उसमें या कोई डेजर्ट टेम्पल ना हो, अब वहाँ पर आपको कैमल्स भी मिलेंगे, विच इज़ वेरी ऑसम। और इसका ये जो दिख रहा है आपको डैश, ये डैश मारता है, तो इससे आप जो है रिवीन क्रॉस कर सकते हो। इसकी सबसे अच्छी एबिलिटी ये है कि डैश के साथ, कि अगर एक फ्लैट बहुत लंबा रास्ता है तो घोड़ा कैसा है कि घोड़े को आप जंप करा के इधर से उधर ले जा सकते हो, दौड़ा सकते हो। ये थोड़ा सा स्लो है, ये साइड टू साइड स्ट्रेफिंग में स्लो है, वैसे घोड़ा बहुत फास्ट होता है अगर ये साइड टू साइड जाता है, पर कैमल की स्पीड उसमें थोड़ी स्लो है, वो स्ट्रेफिंग में थोड़ा सा स्लो मूवमेंट करता है। एक अगर पूरा स्ट्रेट रास्ता रहेगा जहाँ पर आपको कोई जंप या फॉल डाउन नहीं करना है, वहाँ पर ग्रेजुअली शायद इसकी स्पीड इंक्रीज होती है और ये बहुत फास्ट ट्रैवल करता है। ये बहुत अच्छा फीचर है कैमल का, और पता नहीं इसको अगर ये कुछ हमें देता भी हो, वैसे तो कुछ यील्ड नहीं कर सकते हम इससे, मारने पर शायद कुछ ड्रॉप करता हो, पर हम कैमल को क्यों मारेंगे, हमारा बेस्ट बर्ड बन गया है घोड़े के बाद। सबसे अच्छी चीज़ ये है कि इन्होंने एक मल्टीप्लेयर फीचर डाला है माइनक्राफ्ट में, एक मॉब के साथ आप बैठ के जा सकते हो। पहले आप बोट में बैठ के जा सकते थे 2 जन, पर अब आप एक मॉब के साथ भी जा सकते हो। मेरे ख्याल से इनको पता है एक चेस्ट भी ऐड करना चाहिए इसके ऊपर, क्योंकि वहाँ पर एक चेस्ट भी रख सकते हैं और उसमें सामान भी लेके जा सकते हो। सो दिस इज़ कैमल फॉर यू, जो आने वाला है 1.20 में। अभी जल्द ही इसके स्नैपशॉट भी आने लगेंगे, क्योंकि कल माइनक्राफ्ट लाइव में कहा है कि कुछ ही दिनों में इसके स्नैपशॉट्स भी निकालने लगेंगे। ओके, तो आपको मैं बताते रहूँगा और क्या क्या चीज़ आई है माइनक्राफ्ट लाइव में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, एंड वेट फॉर मोर इंटरेस्टिंग 1.20 एड ऑन्स। टू ऑल गाइस, टाइम, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, सी यू।